हाय फ्रेंड्स, 3S क्लासेस में आपका स्वागत है। चलो आज हम सीखने वाले हैं फोर्थ चैप्टर। क्या है फोर्थ चैप्टर का नाम? क्या है? एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल। तो फर्स्ट कौन से एंगल है देखेंगे। यहाँ पे दिया है पहला इंटीरियर एंगल, उसके बाद में दिया है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, उसके बाद मुझे दिया है एडजेसेंट एंगल। तो पहला सीखते हैं इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं। ये जो आम है, आम के अंदर जो एंगल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इसके इंटीरियर एंगल के पॉइंट। तो अभी मुझे क्या पूछा है? पॉइंट इन इंटीरियर। कौन से आएंगे फिर? ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट आएगा। ये क्या हो गए? इंटीरियर एंगल के अंदर के पॉइंट क्या होते हैं? इंटीरियर होते हैं। मतलब क्या, कौन से आ गए? यम, यन, ओ, टी। ये क्या हो गए? इंटीरियर हो गए। अभी एक्सटीरियर का मतलब क्या? बाहर के। तो बाहर के कौन से है? जी, डी, एस और ई। ये क्या हो गए? जी, डी, एस, ई। इनको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑन एक्सटीरियर बोलते हैं। अभी ये आम है, ये आम पे कौन से पॉइंट एंगल है? पॉइंट ऑन आर्म ऑफ एंगल। एंगल के आर्म पे कौन से पॉइंट है? तो कौन सा है? पी है, क्यू है और आर है। कौन से पॉइंट है? पी है, क्यू है और आर है। फिर से बताता हूं, इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले और आर्म का मतलब जो आर्म पे है ना वो एम पॉइंट। लिख दिए मैंने, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अभी हम जा रहे हैं एडजेसेंट ऑफ एंगल। टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे? ये बाजू में है ना, इनका आर्म कौन सा कॉमन है? ये वाला आर्म कॉमन है, इसलिए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या हो गए? ये हमारे कोण बी एम डी एंड कौन सी पेयर हो गई? बी एम डी बी सॉरी बी एम क्यू, बी एम क्यू एंड क्यू एम डी। ये क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। ये क्या हो गए? एडजेसेंट। इनको क्या बोलते हैं? इनमें से कौन सा है कॉमन आर? यम क्यू कॉमन आर आम है, इसलिए वो क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल। वो क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल। फिर से देखो, एडजेसेंट एंगल का मतलब उसके कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स सेम होते और सेपरेट इंटीरियर होते। मतलब क्या, ये देखो कौन सा होगा? ये बी एम क्यू एंड क्यू एम डी। ये क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल। बी एम क्यू एंड क्यू एम डी ये क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल की पेयर हो गई। चलो तो हम प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। ऑब्जर्व द फिगर एंड फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। अभी मुझे क्या दिया है? फिगर दे दी है और कंप्लीट करने के लिए टेबल बोला है बुक में। पॉइंट इन इंटीरियर, पॉइंट्स इन एक्सटीरियर, पॉइंट्स ऑन आर्म ऑफ द एंगल। पहले इंटीरियर का मतलब एंगल के अंदर के। पॉइंट्स कौन से आएंगे? आर आएगा, एन आएगा, सी आएगा और एक्स आएगा। ये क्या हो गए? इंटीरियर के अंदर के पॉइंट आर, एन, सी, एक्स। ये क्या हो गए? इंटीरियर हो गए, पॉइंट्स इन इंटीरियर। इंटीरियर एंगल में आने वाले पॉइंट्स हो गए आर, एन, सी, एक्स। अभी क्या बोला है? पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, पॉइंट इन द एक्सटीरियर। कौन सा है? टी है, यू है, जी नहीं होगा क्योंकि वो आर्म पे है, क्यू है, बी है और वाई है। तो लिख दूंगा मैं पॉइंट्स ऑन मतलब बाहर के, एक्सटीरियर मतलब बाहर के। कौन से है? टी है, यू है, क्यू है, वी है और वाई है। ये क्या हो गए? पॉइंट्स ऑन एक्सटीरियर, पॉइंट्स इन एक्सटीरियर। अभी पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल। आर्म पे कौन से पॉइंट है? ये देखो, ये पॉइंट है, डब्ल्यू वाला पॉइंट है, जी वाला आर्म्स पे पॉइंट है और बी वाला। तो ये क्या हो गए? आर्म्स पे होने वाले
पॉइंट, कौन से है आर्म्स पे पॉइंट मेरे, ए है, डब्ल्यू है, लिख दूंगा, ए है, डब्ल्यू है, जी है और बी है, हो गया कंप्लीट। मुझे क्या बोला था, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंड आर्म्स के पॉइंट लिखने के लिए बोला था, कंप्लीट किया। अभी हम जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, नेम द पेयर ऑफ, क्या बोला है, पेयर ऑफ एडजस्टेंस एंगल, पेयर ऑफ एडजस्टेंस का मतलब जिसके कॉमन वर्टेक्स होते हैं, जिसके कॉमन आर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेंस एंगल की पेयर। अभी इधर एडजस्टेंस कॉमन तो दिख रहा है, अभी बी एन कॉमन दिख रहा है, तो मैं कौन सा एंगल लूंगा, एंगल ए एन बी, एंगल ए एन बी एंड एंगल कौन सा आएगा उसका कॉमन पेयर कौन सा होगा इसका, ये होगा ना कॉमन ए एन, कॉमन आर्म कौन सा होगा, ए एन बी एंड ए एन सी का कॉमन आर्म ए एन है, इसलिए वो क्या है, एडजस्टेंस है, तो लिख दूंगा ए एन सी, ये हो गए एक एडजस्टेंस पेयर। अभी सेकंड, सेकंड में ये कॉमन आर्म दिख रहा है मुझे, तो ये कॉमन आर्म को मैंने ऐसे कर दूंगा ए एन सी, ए एन सी एंड कौन सा आएगा बी एन सी एंगल। अभी इधर कौन सी कॉमन आर्म दिख रही है, अभी ये दिख रही है, तो लिख दूंगा सीधी तरीके से बी एन सी एंड ए एन बी, बी एन सी एंड ए एन बी, कौन सी इसकी कॉमन आर्म देखो, कौन से एंगल की ये कॉमन आर्म, ए एन बी और बी एन सी की कॉमन आर्म है ना, इसलिए वो क्या हो गए, एडजस्टेंस एंगल हो गए। इस ये किसकी कॉमन आर्म है, तो ए एन बी और ए एन सी की कॉमन आर्म है, और ये को किसकी कॉमन आर्म है, तो ये है बी एन सी और ए एन सी की कॉमन आर्म है, मैंने लिख दिया, ये हो गए एडजस्टेंस पेयर एंगल, पेयर ऑफ एडजस्टेंस। अभी इसमें कौन सा है, इसमें सिर्फ ये ही कॉमन दिख रहा है, तो क्या होगा, ये कॉमन आर्म आएगी मेरी, तो क्या होगा पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी, ये क्या हो गए एडजस्टेंस पेयर, क्या हो गए पेयर ऑफ एडजस्टेंस एंगल, ये क्या हो गए पेयर ऑफ एडजस्टेंस एंगल, क्या होगा इसमें कॉमन नाम है ना पी क्यू आर एंड पी क्यू टी, लिख दिया यही पेयर है, बाकी को कोई कॉमन नाम नहीं दिख रहा है, तो ये हो गए मेरे एडजस्टेंस पेयर ऑफ एडजस्टेंस एंगल। अभी प्रैक्टिस सेट में का थर्ड एग्जांपल देखेंगे, आर द फॉलोइंग पेयर एडजस्टेंस एंगल, ये जो डायग्राम दिया है उसमें से जो मुझे पेयर दिए है वो एडजस्टेंस एंगल की पेयर है क्या, ये देखने का है, और इफ नॉट स्टेट द रीजन, नहीं होगे तो उनका रीजन क्या है ये भी बताना है, होगे तो रीजन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स क्या होगा, सेम होगा, इसलिए वो एडजस्टेंस होंगे। अभी देखेंगे मुझे पेयर कौन सी दी, अभी पी एम क्यू एंड आर एम क्यू, अभी पी एम क्यू किधर है देखेंगे, पी एम क्यू कौन सी दी है मुझे, अभी देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, पी एम क्यू कौन सी दी है, पी एम क्यू एंड आर एम क्यू, आर एम क्यू, इनमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन आर्म दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या हो गए, द पेयर आर एडजस्टेंस, पेयर क्या हो गए एडजस्टेंस हो गए। अभी नेक्स्ट आर एम क्यू एंड एस एम आर, अभी आर एम क्यू देखेंगे, आर एम क्यू किधर है, आर एम क्यू, आर एम क्यू एंड कौन सा बोला है, एस एम आर, अरे ये तो क्या कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, एस एम आर, आर एम क्यू एंड एस एम आर, आर एम क्यू एंड एस एम आर, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर एम क्यू, आर एम क्यू एंड एस एम आर,
यहाँ पे ये एडजस्टेंस एंगल नहीं है क्योंकि इनका कॉमन आर्म नहीं आ रहा है, तो इनका रीजन क्या होगा, बिकॉज इंटीरियर आर नॉट सेपरेट। इनका रीजन क्या होगा, इंटीरियर आर नॉट सेपरेट। अभी नेक्स्ट आर एम एस और आर एम टी इधर भी वैसा ही बोला है, आर एम एस और आर एम टी नहीं आ रहा, बीच में नहीं आ रहा, इंटीरियर में नहीं आ रहा, मतलब एडजस्टेंस कैसे बोलते हैं, ये जो बीच में आ रहा है ये कॉमन निकल रहा है तो भी उसको एडजस्टेंस बोलते हैं, ये कॉमन निकल रहा है मतलब इधर देखो आर एम टी और आर एम एस में ये कॉमन आ रहा हो रही है लेकिन इंटीरियर में नहीं हो रही है, इसलिए हम उसको एडजस्टेंस नहीं बोलते। तो ये क्या है, ये भी इसका रीजन होगा, पेयर्स आर नॉट इंटीरियर बिकॉज नॉट पेयर बिकॉज क्या है वो, इंटीरियर आर नॉट सेपरेट, आर नॉट सेपरेट। अभी ये देखेंगे एस एम टी एंड आर एम एस, एस एम टी आर एम एस, एस एम टी और आर एम एस, यस यस एम टी आर एम एस, ये बीच में आ रही है ना, एम एस क्या आ रही है हमें, कॉमन आ रही है आर एम एस एंड एस एम टी बीच में आ रही है, कॉमन आ रही है मतलब ऐसा आ रहा है, देखो ये देखो आर एम एस और एस एम टी आ रहा है, इसलिए वो क्या है कॉमन, क्या है द पेयर ऑफ, द पेयर ऑफ एडजस्टेंस क्या है, पेयर ऑफ एडजस्टेंस है। इधर देखो आर एम एस लिखेंगे हम, आर एम एस और क्या हो रहा है आर एम टी, आर एम टी नहीं आ रही कॉमन बीच में की, इसलिए वो क्या है एडजस्टेंस एंगल की पेयर नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप उसे सब्सक्राइब लाइक और बेल घंटे पे टिक कीजिए, मैं पूरा 7 का मैथ्स इस अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, आप देखो अच्छी तरह से समझो और उसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।